काठियावाड़ के एक महान महापुरुष हुए श्री मेघ स्वामी जी। उनके विषय में कहा जाता है, उनके घर के नज़दीक भगवान शंकर का एक विशाल मंदिर था जिसे त्रिनेत्र महादेव के नाम से जाना जाता था, अर्थात जिनके तीन नेत्र हैं, उन महादेव जी का वह प्रसिद्ध मंदिर था। भक्त मेघ जी निरंतर वहां पूजा अर्चना करने जाया करते थे, प्रातःकाल जाते और सायंकाल को लौट आते। एक बार भक्त मेघ नित्य की भांति वहां पूजा करने गए। अब उनका घर खाली था। कुछ चोर सामान चोरी करने की इच्छा से मेघ जी के घर आ गए, क्योंकि मेघ जी के पास सामान की कोई कमी नहीं थी। बहुत भक्त उनसे मिलने आया करते थे और श्रद्धा भाव से उनके चरणों में बहुत चीज़ें समर्पित किया करते थे। अब चोरों के मन में कामना जागृत हो गई, इस संत के घर से अगर सामान चोरी कर लिया तो किसे पता नहीं चलेगा, और अगर हम पकड़े भी गए तो संत जी हमसे कुछ कहेंगे नहीं। यह सोचकर चोरों ने जैसे ही मेघ जी के घर से सामान चोरी किया, एक चादर में वह सारा सामान बांधकर जैसे ही घर से निकलने लगे, वह हैरान हो गए। घर के दरवाजे के बाहर आती वह देखने लगे, यह क्या, सारा गांव सोना का सोना है, आसपास कोई घर नहीं है। यह देखकर चोर विचार करने लगे, अभी तो यहां सारा गांव बसा हुआ था, यह क्या, हमने सामान उठाया बाहर निकले सारी जमीन बंजर दिखाई दे रही है। वह पुनः घर के अंदर गए, जैसे ही अंदर पहुंचे वह छत पर चढ़ गए, देखें तो सारा गांव बसा हुआ है, जैसा है वैसे ही है। पुनः सामान उठाकर वह घर से बाहर निकले, पुनः वही दिखाई दे, सारा गांव बंजर का बंजर है, आसपास एक भी घर नहीं है। पुनः वह सामान लेकर अंदर गए, फिर पुनः वह सारा गांव दिखाई देने लगा। वह हैरान होकर सोचने लगे, यह कौन सी लीला है, सामान चोरी के लिए उठाते हैं सारा गांव बंजर बन जाता है, और जैसे ही अंदर जाते हैं पुनः सारा गांव वैसे का वैसा दिखाई देता है। उन्हें थोड़ी थोड़ी परमात्मा की लीला समझ आने लगी, पर जब मन के ऊपर अंधकार छा जाता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, कोई बात समझ नहीं आती है, कोई कितना भी समझाने का प्रयास करे सारे प्रयास निष्फल चले जाते हैं। यह सोचकर चोर पुनः सामान उठाकर जैसे ही बाहर आने लगे, उन्होंने अपने कंधे पर सामान उठाया और बाहर निकलकर देखा, सारा गांव बंजर का बंजर। अब वह जैसे ही आगे बढ़ने लगे, कुछ कदम बढ़ाते पुनः आगे से घूमकर मेघ जी का घर उनके समक्ष आ जाता। वह दूसरी तरफ जाते पुनः उन्हें मेघ जी का घर दिखाई देता। अब तो वह हैरान होने लगे, उनका माथा चक्कर खाने लगा। ऐसा करते करते शाम होने लगी। इतने में मेघ जी अपने घर आने लगे। जैसे ही मेघ जी को घर आते देखा, उनका विवेक भी जागृत होने लगा। वह पुनः घर के अंदर चले गए, सामान एक तरफ फेंक दिया और मेघ जी के चरणों में गिर इस प्रकार कहने लगे, हे महात्मा, हमें क्षमा करो, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हम चोर हैं, हम आपके घर सामान चोरी करने आए थे, पर यहाँ की लीला देखकर हम चकित हो गए हैं। आपके घर में ऐसा कौन सा जादू है जो आपका पूरे का पूरा घर यहाँ से वहाँ घूम जाता है, हम बाहर निकलते हैं सारा गांव बंजर हो जाता है, हम अंदर आते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, हम जैसे ही सामान उठाकर जाने लगे आपका घर हमारे साथ चलने लगा। यह सुनकर मेघ जी के आंखों में आंसू आ गए। मेघ जी रोते हुए कहने लगे, ये मेरा चमत्कार नहीं है, यह परमात्मा का चमत्कार है। तुमने जो सामान चोरी किया है वह भी मेरा नहीं है, यह तो भक्तों के द्वारा मुझे प्राप्त होता है और गरीब दीन नारायणों की सेवा में समर्पित हो जाता है। तुम यह चोरी का कार्य क्यों करते हो, तुम आज से प्रण ले लो कि तुम चोरी नहीं करोगे। मैं सच कहता हूँ, परमात्मा सदैव तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करेंगे। मेघ जी के वचन सुनकर चोरों ने अपना चोरी का कार्य त्याग दिया। अब तो वह भक्त मेघ जी के शिष्य बनकर उनके साथ ही रहने लगे। पर इस अद्भुत चमत्कार का प्रभाव सारे गांव पर पड़ा।
अब तो सारे गांव वाले आकर भक्त मेघ जी के शिष्य बन गए। सबको मेघ जी ने एक ही उपदेश दिया, जो अतिथि हमारे गांव में आए उसका सम्मान करो। घर आए अतिथि का सम्मान भी परमात्मा का सम्मान है। इस प्रकार वह निरंतर परमात्मा के भजन में लगे रहे और अंतिम समय परमात्मा को याद करते करते परमात्मा के श्री चरणों में उनका शरीर परमात्मा में ही लीन हो गया। तो ऐसे भगवत भक्त श्री मेघ जी के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।